नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अभिवादन उनका लोक नृत्य और रंगारंग कार्यक्रम के साथ किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें असम के दिफू की। आज वहां पर दिन भर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिफू पहुंच चुके हैं। अमृत सरोवर का यहां उद्घाटन किया जाना है। ये पारंपरिक नृत्य असम का और इस नृत्य के बीच प्रधानमंत्री हाथ हिलाते और अभिवादन स्वीकार करते हुए कुछ ही दिन पहले यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन लैंड किया, उसके बाद सीधे लोगों के बीच प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। असम के दिफू का ये वो इलाका जहां पर आज प्रधानमंत्री के अलग अलग कार्यक्रम हैं, इसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। जनजातीय जिले के गमछे और पारंपरिक अंगवस्त्र के साथ यहां पर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए स्थानीय लोग सभी को यहां पर हाथ उनसे मिलाते हुए प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच नृत्य और संगीत भी यहां पर आयोजित किया गया है। कार्बी आंगलोंग पोस्टर यहां पर आप देख सकते हैं जिसमें स्वागत प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। तो कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रखेंगे। विकास रैली को भी वो संबोधित करेंगे, यहां पर कई विकास कार्यक्रमों में भी वो हिस्सा लेंगे, कैंसर अस्पतालों को देश को समर्पित भी करेंगे। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें देखिए, वहां पर जो लोग हैं वो हर कोई प्रधानमंत्री से मिल लेना चाहता है, उनको देख लेना चाहता है। खासा उत्साह इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें निराश नहीं करते। उसी जोश उसी उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मिलते हैं, खासतौर पर अगर बच्चे, क्योंकि देखिए जो बच्चे आसपास हों उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा मिलने पहुंचते हैं। लेकिन यहां पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके लिए तैयार किया गया था उसकी प्रस्तुति करने के लिए जो लोग दोनों ही तरफ आप सड़क के किनारे देख रहे हैं वो मौजूद थे, उनसे प्रधानमंत्री एक एक से कोशिश देखिए कर रहे हैं कि हाथ मिला लें, उनका अभिवादन स्वीकार कर लें। चेहरे पर एक खुशी एक उत्साह आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देख रहे हैं। तो असम की ये सीधी तस्वीरें, दिफू पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई सौगात वहां पर लोगों को देनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हिमांशु मिश्रा में सहयोगी से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का, विस्तार से बताएं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आसाम दौरे पे हैं और नेहा हम सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सजग रहते हैं और आज उनका ये जो दौरा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षा से लेकर जो है तमाम परियोजनाएं जो है नॉर्थ ईस्ट और आसाम की उनका शुभारंभ और शिलान्यास कई योजनाओं का वो प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जो है वो नॉर्थ ईस्ट के दौरे पे हैं और उससे खासकर आसाम। आसाम अगर हम देखें तो जब से बीजेपी की सरकार दोबारा वहां पर चुनकर आई है 2021 में, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार जो नॉर्थ ईस्ट में योजनाएं वहां पर बना रहे हैं उनको लेकर आज प्रधानमंत्री वहां पर जो है कई योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट पर प्रधानमंत्री का जो फोकस है उसको नजरिए से देखा जाए तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और हिमांशु देखिए एक तरीके से एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। 17 किफायती कैंसर अस्पतालों का यहाँ निर्माण होना है, पहले चरण 10 अस्पताल यहाँ पर बनने हैं, वो कार्यक्रम प्रधानमंत्री का कब रहने वाला है? देखिए वहां से जो है हॉस्पिटल का शिलान्यास का कार्यक्रम है वो एक साथ प्रधानमंत्री करने वाले हैं। उनकी अनाउंसमेंट होगी, कृषि विश्वविद्यालय की अनाउंसमेंट होनी है, एजुकेशन से रिलेटेड कई चीजों को आज जो है प्रधानमंत्री वहां से उनकी घोषणाएं करने वाले हैं। एक तरीके से आसाम के लिए बहुत बड़ा दिन और ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जो है जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं वो आज उनके कार्यक्रम की रूपरेखा के अंदर आपको
जरूर दिखाई देगा। हिमांशु, अब दरअसल ये कहा जा सकता है कि अब गए वो दिन जब ये कहा जाता था कि नॉर्थ ईस्ट में विकास कम हुआ है, वहां पर योजना और शिलान्यास की कमी है, वहां पर जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले दिनों में असम में और आसपास के जितने भी प्रदेश हैं उनमें बहुत तेजी से विकास पर फोकस बीजेपी की सरकार ने किया है। जो पारंपरिक नीति है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो डोनर मिनिस्ट्री है, नॉर्थ ईस्ट रीजन की मिनिस्ट्री है, उसकी शुरुआत भी अगर देखा जाए तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर किया गया था, उस मंत्रालय का गठन। उसके बाद ये मंत्रालय लगातार तो रहा, लेकिन जब तक विकास कार्य नहीं हुए, 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर भारत को विकास सही में आपको डेवलपमेंट कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट से जिसकी शुरुआत करनी होगी, और वहाँ अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के जो जितने भी इश्यूज थे, चाहे वो स्टेट बॉर्डर रिलेटेड इशू हो, उनको भी गृह मंत्रालय ने बहुत से अच्छे से तरीके से टैकल किया है। मेघालय और आसाम के बीच में जो डिस्प्यूट थे, या ये कहें कि आसाम और मिजोरम के बीच में जो डिस्प्यूट थे, उन सभी इश्यूज को लेकर जो है केंद्र सरकार सजग है, और लगातार कई डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में किए जाते हैं। और प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के तमाम मंत्री जो है लगातार जो है वो विजिट करते हैं नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट के अंदर। तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि काम की शुरुआत करना और उसकी जो है उसके ऊपर सर्वलांग करने का काम भी जो है प्रधानमंत्री और उनके केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के ऊपर हमेशा बनाए रखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस तरीके से, चाहे वो मणिपुर हो, मेघालय हो, सिक्किम हो, सिक्किम के अंदर गैंगटॉक के अंदर जो है वो वहाँ एयरपोर्ट बना के 2 साल पहले वहां पे प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात दी थी सिक्किम के लोगों को, जिसकी उम्मीद शायद बहुत कम लोगों को रही होगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है बागडोगरा सिलीगुड़ी, वहां पर तो एयरपोर्ट था, लेकिन वहां से सिक्किम जाने के लिए आपको बायरोडी जाना होता था, तो वहां एयरपोर्ट। उसके बाद गुवाहाटी के अंदर लगातार विकास के कार्य मणिपुर में हो या मेघालय के अंदर हो, मिजोरम हो, ये तमाम वो प्रदेश है जहाँ हमेशा कहा जाता था कि वहाँ विकास हर घर जल की जो स्कीम है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है नॉर्थ ईस्ट पे पड़ा है। बिल्कुल, तो दो तस्वीरें भी देखिए, कुछ देर में रैली होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पूरा ये जो परिसर है आप देखिए खचाखच भरा नजर आ रहा है। वहीं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ, शानदार स्वागत वहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लोग बेहद उत्साहित, नाचते गाते यहां तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना संभव है लोगों के बीच पहुंचकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनसे हाथ मिलाते तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हिमांशु लगातार हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, अगर आज के कार्यक्रम की बात करें, देखिए अभी अब से थोड़ी देर में शांति एकता और विकास रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करने वाले हैं, देख रहे हैं कितने तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं, ऐसे ही और आगे क्या क्या कार्यक्रम पूरे दिन रहने वाले हैं? देखिए आज का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो तो गुवाहाटी में ही है, और तमाम अलग अलग स्टेट की जो स्कीम्स है वो भी शायद वहां से शुरुआत होने वाली है, और बहुत ज्यादा स्कीम्स की शुरुआत वहां से करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होगी। और मैं फिर आपसे एक चीज बोलूं कि नॉर्थ ईस्ट के जो डेवलपमेंट के काम हुए पिछले 9 सालों के अंदर वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें नॉर्थ ईस्ट में रिपीट हुई हैं। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा रीजन था जहां बीजेपी की सरकारें 2011-16 तक कभी नहीं बनी थी। अगर अरुणाचल में एक बार बीजेपी ने सरकार बनाई भी तो एनडीए सरकार में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में थी, तो वो कांग्रेस को तोड़कर उन्होंने बनाई थी, पार्टी शिफ्ट हुई थी वहां की, सारे विधायक बीजेपी में आ गए थे, तब सरकार बनी थी। लेकिन लगातार चाहे आप अरुणाचल में देखें तो बीजेपी की दूसरी बार सरकार चुन के आई है, मणिपुर में दूसरी बार बीजेपी जो है चुनकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, आसाम के अंदर 16 के अंदर बीजेपी ने जो है अपने गठबंधन के साथ सरकार बनाई थी, और इस बार भी जो है बीजेपी ने आसाम के अंदर सरकार को रिपीट किया है। तो विकास के जो कार्य हैं उनके जो लोगों को विकास करे चाहिए उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने लोगों का ट्रस्ट जीता, और उसमें खासकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वो हमेशा लगातार अपनी मंत्रिपरिषद की बैठकों में भी ये कहते हैं कि आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, वो वैसे प्रदेश है जहाँ ट्राइबल्स बहुत ज्यादा है, जहाँ डेवलपमेंट की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्रों के हिसाब से आपको सोचना होगा कि कैसे वहां पर जो है आम जनता जो है केंद्र सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो विकास के कार्य हैं, आप देखिए कि डिब्रूगढ़
दो प्रदेशों को जोड़ने के लिए एक हाईवे बनाया गया था जिसमें 12 घंटे लगते थे रोड से जाने में, वो लगभग 3 घंटे। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कितना बड़ा जन समूह, जन सैलाब यहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उमड़ पड़ा है। काफी लंबे वक्त बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे। देखिए हाँ, ये कह सकते हैं कि कोविड के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चुनाव के दौरान जो जरूर गए थे प्रचार में आसाम के अंदर, लेकिन मणिपुर में भी, लेकिन चुनाव के बाद ये उनका पहला दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण ना सिर्फ आसाम के लिए बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी हम देखिए आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंच पर इस वक्त आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहां आपसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करने वाले हैं, लेकिन मंच पर पहुंचकर अभिवादन करते हुए जो वहां पर मंच में लोग नेता बीजेपी के मौजूद हैं उनसे अभिवादन स्वीकार करते हुए, लेकिन उससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ, उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई, लोगों के बीच खुद जाकर अपने चिरपरिचित अंदाज में प्रधानमंत्री मिलते हुए नजर आए हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। हिमांशु, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, क्योंकि इतनी संख्या में हम देख रहे हैं उनको सुनने के लिए लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ बातें आज उनके संबोधन में हो सकती है? देखिए, हमेशा ये बहुत बड़ा मुश्किल होता है कि प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में ये अनुमान लगाना कि प्रधानमंत्री के भाषण में क्या रहने वाला, लेकिन मैं एक राजनीतिक संवाददाता के तौर पर ये जरूर कह सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाकर लोगों का दिल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने वहां पर जीता है, उस एक बहुत कई दशकों के बाद अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी और नेता को, यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं उनकी इतनी लोकप्रियता है तो वो शायद नरेंद्र मोदी है, और इसी को कनेक्ट करते हैं वो हमेशा। और आज हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये बताएं कि उनकी सरकार ने अभी तक क्या क्या काम किए हैं और क्या आगे की उनके रोड मैप है वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर, तो ये जरूर उनके भाषण में रहेगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राजनीतिक तौर से जरूर ये संदेश देंगे कि जिस तरीके से आसाम के अंदर एक बार फिर से जनता ने उनके ऊपर भरोसा जताया है बीजेपी पर, और दूसरा मणिपुर में भी, तो इसके लिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों का जरूर वो अभिनंदन करेंगे। हिमांशु, देखिए अब मंच की भी तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं जहां पर स्वागत किया जा रहा है असम के सीएम की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हेमंत बिस्व शर्मा यहां पर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए उन्हें मोमेंटो देते हुए और उन्हें वो गमछा जो असम का प्रतीक है वो पहनाते हुए। देखिए, ये पूरा का पूरा रंगारंग भव्य कार्यक्रम अब से कुछ ही देर पहले शुरू हुआ हिमांशु, और आज ये दिन भर जारी रहने वाला है। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति, परंपरा, तमाम रीति रिवाज, और हर जगह हम यही देखते हैं कि जिस भी प्रदेश में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं वहां पर उसी रंग में रंग जाते हैं। देखिए, ये अमूमन हमेशा प्रधानमंत्री की कोशिश रहती है जिस प्रदेश में जा रहे हैं उसके रंग में रख जाए, उसकी संस्कृति, उसके संस्कारों में वो अपने आप जो है लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए दिखाई दे, और यही खूबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि लोगों के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, और हमेशा आप देखिए कि वही ड्रेसअप के अंदर नजर आते हैं जिस प्रदेश के अंदर वो जाते हैं। आप देखिए, आज जो उनको जो असम का प्रतीक है गमछा, वो उनको भेंट स्वरूप किया गया है, तो वो पूरे कार्यक्रम में वो हमेशा उसको पहने नजर आएंगे, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैली भी। अगर वो ना सिर्फ आसाम जाएं या कहीं किसी और अन्य प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ की भी संस्कार और संस्कृतियों को, परंपराओं को हमेशा वो उनके चाहे वो ड्रेस पहनावा हो उसमें या उनकी बोलचाल में भी दिखाई देता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बार कनेक्ट करते हैं कि जिस प्रदेश में जा रहे हैं वहां पर जाके उसी भाषा के अंदर रीजनल लैंग्वेज में जो है वो लोगों का अभिनंदन करें। तो आज शायद आपको देखने को मिल सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के अंदर जो है असमी भाषा के अंदर लोगों का अभिनंदन करें और जीत का धन्यवाद दें कि किस तरीके से जो है एक बार फिर से राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार को जो है असम की जनता ने चुना है। तो ये जरूर हो सकता है कि असमी भाषा के अंदर प्रधानमंत्री जो है वो लोगों का अभिनंदन करें, जो लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लोग वहां पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक झलक देखने के लिए वहां है, और कितना उत्साह है लोगों को।
बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए तीन तस्वीरें आपके सामने जहां पर रैली में प्रधानमंत्री देखिए नरेंद्र मोदी यहां पर आपको बैठे नजर आ रहे होंगे। थोड़ी देर में उनका संबोधन है वो भी आपको सुनवाएंगे। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो भव्य स्वागत वहां पर हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हुए नजर आए, लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में संबोधित करने वाले हैं। आज का दिन असम के लिए खास है क्योंकि कई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के लिए लेकर आए हैं। यहां पर किस तरीके से देखिए तैयारियां यहां पर की गई थी उनके आने के लिए, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और अब से थोड़ी देर में रैली को संबोधित भी करेंगे। हिमांशु, कई परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर देने वाले हैं, यानी आज असम के तौर पर हम देखें तो असम को क्या सौगात मिलने वाली अगर हम देखें? देखिए जिस तरीके से हॉस्पिटल की एक बड़ी श्रृंखला जो है वो सौगात के तौर पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आसाम की जनता को देने वाले हैं और साथ ही साथ एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, तो तमाम इस तरीके की जो सौगात है चाहे वो एजुकेशनल हो या हम देखें कि स्वास्थ्य सेवाओं के तौर पे देखा जाए तो उनकी बड़ी जो सौगात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम की जनता को देने जा रहे हैं। और चुनाव के बाद मैं फिर बता रहा हूँ 2021 में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम के दौरे पे हैं तो ये जरूर एक बड़ी जितनी योजनाएं हैं उनकी शुरुआत आज जो है आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो उन योजनाओं का, सरकार के उन कामों का शिलान्यास और उन परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो ये वहाँ की राज्य सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो संसद सत्र के बाद प्रधानमंत्री लगातार जो है इस तरीके के दौरे वो कर रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में, चाहे वो गुजरात हो आसाम हो, तो ये एक तरीके से ये जरूर है कि अलग अलग राज्यों के अंदर प्रधानमंत्री जाकर केंद्र सरकार के सहायता से जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ज्वाइंट वेंचर की वजह से जो भी कार्यक्रम बनते हैं या स्वास्थ्य हॉस्पिटल्स हैं चाहे विश्वविद्यालय हैं या सड़क परियोजनाएं हैं वो उनका जो शुरुआत है या शिलान्यास जब परियोजना पूरी हो जाती है वो सारे कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री करते नजर आते। साथ ही हिमांशु, हमने देखा था कि कोविड के दौरान अलग अलग प्रदेशों के सीएम को प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया था, असम का भी उसमें जिक्र हुआ था, उन्होंने बधाई भी दी थी, ये भी प्रशंसा की थी कि वहां पर कोविड मैनेजमेंट अब काफी अच्छी तरीके से किया गया। इसके मद्देनजर कि आने वाले वक्त में अगर कोविड की अगली वेव आती है उसको लेकर भी कुछ खास इंतजाम, कुछ खास तैयारी इस अस्पताल में और स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरीके से इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा, इसको लेकर भी आज कुछ देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ जो है वो कोविड के बढ़ते एक बार फिर से जो कोविड की लहर देश के सामने आ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था आपको ये नहीं समझना चाहिए कि कोरोना खत्म हो गया, उसके लिए आपको अभी से इंतजाम करने चाहिए क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, देश में वैक्सीनेशन जरूर बहुत तेजी से हुआ है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड को आप ये माने कि आपने उस पर जीत दर्ज कर ली है। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ संकेत दे दिए थे कोविड को लेकर सभी राज्य सरकारों को जो है सचेत रहना चाहिए और जितनी तैयारी करनी चाहिए वो आपको पहले से ज्यादा कर रखनी चाहिए जिससे कि किसी भी तरीके का जो है वो नुकसान ना हो। और आसाम